नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरी चैनल अभी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे बड़ी खबर ये है कि शिवसेना नेता संजय राउत को कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। महाराष्ट्र के पात्रा चौल जमीन घोटाला मामले में ईडी की जांच अभी चल रही है और जैसा कि मैंने आपको बताया, शिवसेना नेता संजय राउत को कोई राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने संजय राउत की ईडी कस्टडी बढ़ा दी है। अदालत ने संजय राउत को 8 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। पिछली कस्टडी में खुलासा हुआ था कि अलीबाग में जमीन के लेन देन में ज़्यादा पैसे लगाए गए थे और पिछली रिमांड के दौरान पूछताछ में केस का ब्यौरा सामने आया था। और ईडी की टीम इस नतीजे पर पहुंची है कि आरोपी यानी कि संजय राउत की पत्नी को 1 करोड़ से अधिक रुपये का ट्रांसफ़र किए गए हैं। और ईडी के मुताबिक पिछली जांच में कई नए फैक्ट सामने आए हैं। लगभग 1.8 करोड़ रुपए के कुछ लेन देन पाए गए हैं और 1.17 करोड़ रुपए कैश के रूप में थे और उसी से संबंधित लेन देन का भी पता चला है। पात्रा चावल मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत के लिए आज एडवोकेट मनोहर मोहिते ने जिले की, उन्होंने ईडी की कस्टडी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सब राजनीतिक है, कुछ लोगों को पकड़ा जाता है और कुछ लोगों को छोड़ दिया जाता है। उन्होंने कोर्ट में कहा कि अब संजय राउत को ईडी कस्टडी में भेजने की जरूरत नहीं है। फिलहाल कोर्ट ने संजय राउत को कोई राहत ना देते हुए फिर से 8 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। उधर स्वप्ना पाटकर के वकील ने कोर्ट में कहा कि उन्हें धमकाया गया है और उनका पक्ष रखना है। इस पर कोर्ट ने कहा कि मैं आपकी क्यों सुनूं, आपकी रिमांड पर सुनवाई चल रही है, आपका लोकस क्या है आरोपी ईडी की कस्टडी में, फिर ये कैसे आपको धमका रहे हैं। कोर्ट ने ईडी से भी कहा कि आप अपनी एप्लीकेशन में बताइए कि इसे क्यों सुना जाए, ये जमानत पर सुनवाई नहीं चल रही है, किस नियम के हिसाब से आप इंटरवीन कर रहे हैं, यानी कि आप इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। ईडी के वकील ने कहा कि मैंने स्वप्ना पाटकर का बयान कोर्ट के सामने रखा है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना। और ईडी ने संजय राउत की कस्टडी 10 अगस्त तक मांगी थी। ईडी के वकील हितेन मेनगावकर ने कहा कि हमें कुछ दस्तावेज मिले हैं जिनमें कई खुलासे हुए हैं। मनी ट्रेल की जानकारी मिली है जो कई लोगों को कैश में दी गई है। जाँच के दौरान ये भी पता चला है कि प्रोसेस ऑफ क्राइम में लगभग 1.17 करोड़ रुपए सामने आए हैं। इससे पहले 1.6 करोड़ रुपए की जानकारी मिली थी और रिमांड में ईडी ने उन तमाम लोगों के नाम लिखे हैं जिनको ये पैसे गए हैं। पात्रा चौल जमीन घोटाले मामले में रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश हुए संजय राउत ने कहा कि उन्हें जहां रखा गया है वहां वेंटिलेशन नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम है, इस वजह से सांस लेने में दिक्कत आ रही है और जहां उन्हें रखा जाता है वहां पंखा भी नहीं है। ईडी ने कोर्ट के सवाल पर कहा कि इन्हें एसी में रखा गया है। संजय राउत ने कहा कि मैंने नहीं देखा, वहां बस एक पंखा है जो नाक के बराबर है। संजय राउत ने यह भी कहा कि कोई दूसरा रूम मिले जहाँ वेंटिलेशन हो, क्योंकि मैं ऐसी हालत में नहीं हूं कि मैं बिना वेंटिलेशन वाली जगह पर रहूं, क्योंकि मुझे सांस लेने में तकलीफ होती है। तो दोस्तों, ये थी संजय राउत से जुड़ी हुई खबर। उनकी 8 अगस्त तक कस्टडी और बढ़ा दी गई है। हालांकि उनके वकील इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन फिर भी उनकी कस्टडी बढ़ा दी गई है। वहीं संजय राउत ने ये भी कहा कि उन्हें जहाँ रखा गया है वहाँ प्रॉपर वेंटिलेशन की व्यवस्था नहीं है, वहाँ एसी नहीं है। ईडी ने कहा कि वहाँ एसी है। तो इस पर संजय राउत ने कहा कि मुझे तो एसी दिखाई नहीं दिया, एक पंखा है जो ना के बराबर है। तो दोस्तों, ये कंटेंट आपको कैसा लगा, आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अपने दोस्तों में इस वीडियो को पसंद करते हैं तो ज़रूर शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।